बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, मातली में जो वो शहर वाला पुल है, ये सामने ये तामीर हो रहा था। इसके जो टीयर गार्डर वगैरह जो निकले हैं, गार्डर ये सामने पड़े हुए हैं। ये इसी तरीके से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको लावारिस छोड़ दिया है, जो यहाँ अभी क्योंकि पानी की बंदिश चल रही है, ये फुलेली कैनाल है। तो ये देखने आप ये पड़े हुए हैं, ये एक इधर है और उस साइड जो दूसरी सामने वाली साइड पे किनारे पे भी चार पांच इस तरह से ये लाखों बल्कि करोड़ों रुपए के गार्डर ज़ाया हो रहे हैं, पानी में तबाह हो रहे हैं। कोई तवज्जो नहीं है सरकारी, ना डिपार्टमेंट वालों की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। ये क्योंकि पानी की बंदिश है इस वजह से, वरना ये पानी में डूबे रहते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर बदीन साहब से अर्ज है कि इसको उठवा के सरकारी तहवील में लेकर डिपार्टमेंट पे कोई एक्शन लिया जाए, ताकि सरकार का जो ये करोड़ों रुपए आवाम के जो टैक्स के पैसे